हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज वाउचेरिया। ये एक एल्गी है और ये टॉपिक कॉलेज के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थैलस को लेकर, इसके रिप्रोडक्शन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ नीट के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको मैं टाइम टू टाइम पर आपको बताती रहूंगी और क्लियर करती रहूंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, वाउचेरिया, इससे पहले हम लोगों ने एक एल्गी पढ़ी थी वॉलवॉक्स, जो बिलोंग कर रही थी क्लोरोफाइटा को और उसकी क्लास भी क्लोरोफाइसी थी। उसी डिवीजन और उसी क्लास का एक और मेंबर है वाउचेरिया। तो आइए देखते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कोई मेंबर पढ़ेंगे तो हम उसकी एक तो देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन, फिर हम उसका देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर, उसका सेल स्ट्रक्चर और उसमें किस किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वाउचेरिया बच्चों डिवीजन कौन सा आता है इसका? क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा क्लास इसकी है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ऑर्डर इसका आता है साइफोनेज। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाउचेरिया का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है साइफोनेज। और क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फैमिली आती है इसमें वाउचेरिएसी, वाउचेरिएसी और जीनस आ गया वाउचेरिया। अब जब हम पढ़ेंगे मेंबर्स को तो बेटा एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो हमने सिंपल पढ़ लिया, दूसरा होता है कि अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग हमारे सिलेबस में एल्गी का क्लासिफिकेशन भी आता है, हम स्मिथ के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं या फ्रिच के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, तो उन सभी में क्या होगा कि ये सब क्लासेस आएंगी क्लोरोफाइसी वगैरह। तो वहां पर क्या होगा कि हमें उसके कैरेक्टर्स को याद रखना आसान हो जाएगा जब हम मेंबर को पढ़ लेंगे। और हमने वॉलवॉक्स पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं वाउचेरिया, तो हमारे कंपैरिजन भी हो जाएगा कि दोनों ही क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं लेकिन दोनों के थैलस में क्या डिफरेंस है। तो जब हम क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा के फीचर लिखेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं रटने पड़ेंगे क्योंकि हमने मेंबर पढ़ रखा है। तो बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा थी इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, क्लोरोफाइटा, फिर देन क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर साइफोनेज, फैमिली वाउचेरियसी और जीनस आ गया वाउचेरिया। अब बच्चा हम देखेंगे इसका थैलस स्ट्रक्चर। बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा आपको, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी और उसके थ्रू मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप मुझे आंसर करते जाना वही बैठे बैठे, और आपको बिल्कुल बहुत आराम से ये थैलस याद हो जाएगा। देखो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ कुछ इस तरीके का। ये बना इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, अंदर का भी मैं बनाऊंगी। अब आप मुझे ये बताओ ये डायग्राम देखकर कि क्या आपको इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या अनब्रांच्ड ब्रांच नजर आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि किस तरह का है इसका थैलस, कैसा है ब्रांच्ड। दूसरी बात, इसमें क्या आपको सारी ब्रांचेस एक ही तरह की है, यानी सारी ब्रांच इरेक्ट ही है या कुछ प्रोस्टेट भी है। इरेक्ट हम कहते हैं जो सीधी वाली ब्रांचेस होती है, और जो जमीन पर लेटी हुई ब्रांचेस होती है उनको हम कहते हैं प्रोस्टेट। तो हमें इसमें दोनों तरह की ब्रांच दिख रही है, इरेक्ट भी दिख रही है प्रोस्टेट भी दिख रही है। तो हम क्या लिख देंगे कि द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो लेटी हुई होती है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट ब्रांचेस। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस है ये कुछ कुछ कैसी दिख रही है, नली के जैसी, ट्यूब के जैसी। तो हम क्या लिख देंगे इसको कि थैलस किस तरह का है, ट्यूबुलर। फिर इसी टिब्यूल को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या होता है, साइफन। साइफन हम किसको बोलते हैं, नली को। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कि थैलस कैसा है, साइफोनेशियस टाइप का, साइफोनेशियस। ठीक, अब मैं इसमें कुछ चीज ड्रॉ करती हूँ। ये इस तरह के आपको कुछ छोटे से चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर जो आपको पूरे ही थैलस में बनाने पड़ेंगे वो ये देखिए, ये इस तरह का। ठीक है, ये जो बेटा स्ट्रक्चर है ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या बना रही हूँ मैं, चिन्नी मिन्नी से छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं डिस्कॉइड स्ट्रक्चर, जो है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो क्रोमा वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब जो कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वाउचेरिया जो है लगभग येलो ग्रीन सी कलर की एल्गी होती है, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर। तो ये क्या है, क्रोमेटोफोर। तो हम क्या लिख देंगे, जो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो क्या है, क्रोमेटोफोर। फिर इसमें अंदर की तरफ इस तरह से मैं बना लूंगी
और छोटे, इससे भी ज्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे मैं बिल्कुल मार्जिन पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ इन स्ट्रक्चर्स को, ध्यान रखना ये बिल्कुल मार्जिन पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मार्जिन से अंदर की ओर। मार्जिन पे तो मैंने ड्रॉ करे हैं क्या चीज, क्रोमेटोफोर। मार्जिन से अंदर की तरफ जो मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये देखो ये ब्लू कलर के मार्कर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो यानी न्यूक्लियस भी क्या है, मैंने नंबर में ज्यादा बनाया है, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसेटिक, सीनोसेटिक। तो अब अगर अच्छा फिर नीचे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है जिससे कि इसका थैलस सबस्ट्रेटम से, जमीन से अटैच रहता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोइड्स, और इस राइजोइड्स को कुछ बुक्स में आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा हेप्टीरॉन, हेप्टीरॉन। तो यानी अगर अब ये हो गया हमारा बहुत आराम से थैलस कंप्लीट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि थैलस, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि थैलस बच्चों हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जब भी किसी प्लांट को रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड इन छह पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इस तरह के प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात आती है कि वाउचेरिया का थैलस किस तरह का होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर पूछ लिया जाता है। तो बच्चों वाउचेरिया का जो थैलस होता है वो होता है ब्रांच्ड, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच, वन ऑफ देम इज प्रोस्ट्रेट, अनदर वन इज इरेक्ट। यानी कि इसका जो थैलस होता है 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है, प्रोस्ट्रेट जो जमीन पर लेटी हुई है और इरेक्ट जो ऊंची उठी हुई है। अब प्रोस्टेट ब्रांच से निकलते हैं राइजोइड्स जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, इसी राइजोइड को नाम दिया जाता है क्या, हेप्टीरॉन, ठीक है। उसके बाद जो ब्रांचेस होती है वो कैसी होती है, ट्यूब्यूलर या जिसको आप कह सकते हैं साइकोनेशियस टाइप की होती है। जब हम इस ब्रांचेस को देखेंगे तो इसमें पेरीफेरी पर यानी कि बिल्कुल मार्जिन पर आपको कुछ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। और मार्जिन से अंदर की तरफ हमें कई सारे क्या दिखेंगे, न्यूक्लियाई दिखेंगे। चूंकि बहुत सारे न्यूक्लियाई मिल रहे हैं इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, सीनोसेटिक कंडीशन। क्लियर हो गई बात, ये था इसका सिंपल सा थैलस स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि अगर हम इस थैलस का सेक्शन कटिंग करेंगे, यहाँ पर से बच्चा मैं रेज कर रही हूं, तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत इजी है। और हाँ एक बात और रह गई थैलस में, ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह जो है, जैसे सपोज ये यहाँ पर बना दिए, यहाँ पे तो क्या बन गए, ये न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे क्या बन गए, ये देखो यहाँ पे तो ये डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर है, ये देखो ये डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर है, ठीक है। और इससे अंदर की तरफ जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। मैं देखो इसमें बनाती हूँ, जस्ट मिनट, है ना, ये न्यूक्लियस हाथ से फिसला जा रहा है ना, ये बन गया बच्चा न्यूक्लियस। तो ये जो बीच की जगह खाली रह गई ये कहलाएगी वैक्यूल। अभी जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि मैं एक इतने पोर्शन का सेक्शन कटिंग करूंगी, है ना, इतने पोर्शन का सेक्शन कटिंग करके जो चीज मेरे पास आएगी तो अब मेरे को अंदर दिखेगा सेल में कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया, इसमें जो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की लेयर हमें पता है कि है तो एल्गी प्लांट है, तो यानी सबसे बाहर तो क्या मिलेगी हमें, सेल वॉल मिलेगी। अब जो ये सेल वॉल होगी, ये देखो ये बनाया मैंने सेक्शन और ये इसकी सेक्शन कटिंग करी, तो सबसे बाहर तो मिलेगी सेल वॉल जो 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होगी। जो आउटर वाली लेयर होगी वो होगी पेक्टिन की बनी हुई, और इसी से लगी हुई होगी अंदर वाली इनर सेल वॉल जो किसकी बनी होगी, जो बनी होगी सेलुलोज की, ये होगी सेल्यूलोज की सेल वॉल। अब हमने क्या देखा था कि इसमें 2 चीजें मिल रही थी, चिन्नी मिलने से 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिल रहे थे, एक क्रोमेटोफोर जो कहा था पेरिफेरी की तरफ थी। तो यहां पर आप बना देंगे इस तरह के राउंड राउंड स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर बना देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, इसके 2-3 लेयर्स बना देंगे, ये डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, ये देखो ये यहाँ पे बना दिया, ये जो बन रहे हैं ये बन गए डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, ठीक है। अब इससे अंदर की तरफ क्या था बेटा, इससे अंदर की तरफ थे न्यूक्लियस, तो फिर आप 2-3 लेयर्स बना देंगे किसकी, न्यूक्लियस की। जैसे सपोज मैंने 3 लेयर्स बना दी यहाँ पे, ये देखिए ये 3 लेयर्स बना रही हूँ, ये किसकी बन जाएंगी, ये न्यूक्लियस की लेयर बन जाएगी, क्योंकि सीनोसिटिक कंडीशन हमें इसमें देखने को मिल रही है, ये देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस ये ऐसे ही इसमें रहेंगे, इसमें क्या होगा, बीच बीच में क्या भरा रहेगा,
साइटोप्लाज्म भरा रहेगा, यानी जो खाली स्पेस है ये तो क्या हो गए, ये हो गए न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। अब ये जो बीच की जगह बच रही है, ये जो बीच की जगह बच रही है, ये वाली, ये जो बीच की जगह बच रही है, ये कहलाएगी क्या, वैक्यूल। यहाँ लिख देते हैं वैक्यूल, और इस वैक्यूल में क्या भरा रहेगा, सेल से। तो अब अगर हमें इसका सेल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो हम क्या कहेंगे कि जब हम सेल का, जब हम थैलस का सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर आएगा जिसमें दो लेयर्स होंगी, एक आउटर और एक इनर। आउटर बनी होगी किसकी, पेक्टिन की। इनर होगी किसकी, सेलुलोज की। फिर लेयर से अंदर की तरफ हमें दिखेंगे डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, उसकी दो तीन लेयर्स, और फिर हमें दिखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियाई, और सब इसके चार, ये सब किससे घिरे हुए होंगे, किससे सराउंडेड होंगे, साइटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लाज्म से। और सेंटर में दिखेगी हमें एक वैक्यूल जिसमें भरा रहेगा सेल से। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप पूछेंगे कि मैंने रिजर्व फूड मटेरियल की बात अचानक से क्यों कर दी। बच्चों जब क्रोमेटोफोर है तो क्रोमेटोफोर है, इसका मतलब क्या है, ये पिगमेंट है। पिगमेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। इस पर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाउचेरिया में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो हमने अब तक तीन चीजें कवर कर ली, हमने कवर कर लिया सिस्टमैटिक पोजीशन, फिर हमने देख लिया थैलस स्ट्रक्चर, और फिर हमने देख लिया सेल स्ट्रक्चर। और अब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वो होता है इसमें तीन तरह से। एक होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक मिनट मैं यहां पे लिख देती हूं। रिप्रोडक्शन वो इसमें तीन तरह से होगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। दूसरा होगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि थैलस का कोई सा भी एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा, वो कट जाएगा और वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, और पूरा का पूरा नया थैलस बना लेगा। ये मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल जिसमें कि सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये किस किस तरीके से होता है, इसकी यूनिट लिखिए। ये होता है जूस्पोर्स के थ्रू, ये होता है एप्लानोस्पोर्स के थ्रू, ये होता है अकाइनिड्स के थ्रू। तीन तरीके हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि इसमें एंथ्रिडियम और ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक के लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट आया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना बहुत है, और कहीं पर भी कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप पूछिए, हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।